मालिक ने अपने नौकर को समझाया कि जब भी किसी को पुकारो तो जी जरूर लगाना, जैसे माता जी, साहब जी आदि। नौकर बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद नौकर दौड़ा दौड़ा आया और बोला, साहब जी बाहर ड्राइवर जी ने बताया कि सड़क पर कुत्ते जी ने हमारी मुर्गी जी की गर्दन दबोच ली है। एक बार झंडू बहुत गहरी सोच में बैठा था। गुड्डू आया और बोला, अरे भाई झंडू क्या सोच रहे है? झंडू बोला, यार ये घोड़े बहुत बेवफा होते हैं। गुड्डू बोला, हैं घोड़े बेवफा, वो कैसे? झंडू बोला, जब इनकी दौड़ प्रतियोगिता होती है तो हजारों इंसान चले आते हैं देखने के लिए, और जब इंसानों की दौड़ प्रतियोगिता होती है तो एक भी घोड़ा नहीं आता देखने के लिए। एक सुबह सेठ जी ने अपनी दुकान खोली और दुकान खोली तो देखा कि अरे यहाँ तो बिजली ही नहीं है। तो सेठ जी ने अगल बगल वाली दुकानों से पूछा तो पता चला कि सिर्फ उनके यहाँ बिजली नहीं है। सेठ जी बोले, लगता है फ्यूज उड़ गया। वहाँ बैठा नौकर बोला, साहब जी दुकान का शटर तो बंद था, फ्यूज उड़ कर गया का? एक मालकिन ने अपने नौकर से बोला कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा है, उस पे नजर रखना। नौकर बोला, ठीक है मेम साहब। जब मालकिन वापस आई तो उन्होंने देखा कि सारा दूध उबलकर गैस के आसपास गिरा पड़ा है। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा। नौकर मासूमियत से बोला, आपने ही तो कहा था नजर रखने को, और वो तो मैं रखे हुए ही हूँ। एक लड़की ने डेयरी वाले से कहा, भैया 1 लीटर भैंस का दूध दे दो। भैया ने बर्तन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बर्तन तो छोटा है। लड़की ने 2 मिनट सोचा और बोली, अच्छा तो एक काम करो, बकरी का 1 लीटर दूध दे दो। एक बार झंडू ने सुंडू से कहा, मुझे अभी एक अठन्नी मिली। सुंडू बोला, अरे वो तो मेरी थी। झंडू बोला, मुझे पता था तू झूठ बोलेगा, मुझे 1 अठन्नी नहीं 2 चवन्नी मिली है। सुंडू बोला, हो सकता है मेरी अठन्नी नीचे गिरकर 2 चवन्नी हो गई हो। एक बार झंडू बहुत देर से छत पर खड़ा था। माँ आई और माँ ने बोला, अरे भाई झंडू इतनी देर से छत पर खड़ा क्या कर रहे? झंडू बोला, आपने ही तो कहा था कि आदमी देखकर कूड़ा फेंकना, कोई आदमी आए इसी के इंतजार में हूँ। तालाब में एक आदमी हाथ पैर मार रहा था। उसे देखकर सिपाही दौड़ते दौड़ते आया और बोला, ओए तेरे को पता नहीं यहाँ तैरना मना है? वो आदमी बोला, मैं डूब रहा हूँ। सिपाही बोला, अच्छा मुझे लगा तैर रहे, डूब जा। एक बार झंडू रेलगाड़ी पर चढ़ा तो उसने देसी घी का इतना बड़ा डब्बा जंजीर पे टांग दिया। देसी घी का डब्बा जंजीर पे टांगने की वजह से रेलगाड़ी रुक गई। गार्ड आया और उससे बोला, अरे तूने ये डब्बा जंजीर पे क्यों टांग दिया, इससे पूरी रेलगाड़ी रुक गई। झंडू बोला, कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था देसी घी में इतनी ताकत होती है। एक प्रोफेसर अपनी सुंदर पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें देखकर टोंट मारा, वाह हूर के साथ लंगूर। ये सुनते ही प्रोफेसर रुका, मुड़ा और उससे बोला, ओए शर्म नहीं आती एक औरत को लंगूर बोलते हुए?